टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 2 लॉ सुप्रीम. फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द आयरनी इन द नेम साहेब ए आलम. कहते कि मतलब कि कौड़ी सच्चाई सी साहेब ए आलम के नाम के. आंसर ए साहेब ए आलम मीनस अ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. साहेब ए आलम का मतलब होंदा वो व्यक्ति जिहड़ा कि पूरे संसार से राज करन वाला. बट साहेब वॉज ऑबवियस और वट इट. पर जिहड़ा साहेब सी ये तो उल्ट सीगा. मतलब कि वो जिहड़ी ओदा स्टेटस सीगा साहेब दा ओदे नाँ तो बहुत ज़्यादा उल्ट सी. कॉन्ट्रेरी टू वट हिज़ नेम. कहते जो कुछ वो नाँ दे विच सी वो असल दे विच इदा नहीं सी. रीप्रजेंटेड दिखाई नहीं दिंदा सी. ही रोम द स्टेट विद हिज फ्रेंड्स. कहते वो अपने फ्रेंड्स के नाल इधर उधर घूमता रहिंदा सी. एन आर्मी ऑफ बहुत सारे लड़कियां दे नाल बेयर फूटड बॉयज़. बेयर फूटड का मतलब हुंदा नंगे पैर जिहड़े घूम रहे सी. स्क्राउजिंग इन द गारबेज. कहते जिहड़े कि कुचल रहे सी गारबेज नूं. ही यूज़ टू मोक बोथ एंड्स मीट तां जो उन्हां नूं कुछ ना कुछ उत्थों लभ जावे. सैकेंड क्वेश्चन आ Why have the rag picker settled in Simapuri? Rag picker jede sige Simapuri aake kyon rehne lag gaye si? Answer a several families like Saheb. Several bahut sariyan families ne Saheb de wangu have been the victim jede shikar ho chuke ne nature's fury de. Nature fury da matlab hunda kudrat di aafat de. They left Dhaka after storm swept away their fields. Kehnde oh Dhaka nu chhad ke Bangladesh nu chhad ke aage si kyunki bahut storms ne bhuchal vagaira ne उन्होंने बहुत जोड़े खेत से वो खराब करते सी. एंड हाउसिज से उन्होंने घर सैटल इस करके सीमापुरी आके रहन लग गए. इस साहेब हैप्पी वॉकिंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन. जिहड़ा साहेब सीगा कहिंदे ओह टी स्टॉल दे विच काम करके खुश सीगा. आंसर इज साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल. जिहड़ा साहेब सीगा वह खुश नहीं सीगा टी स्टॉल दे विच काम करके. ईवन दो ही इज़ पेड मोर. भावें उन्होंने ज़्यादा दिते जाते पैसे. गिवन हीज मील उन्होंने खाना खाने दिता जाता सी. बट ही इज़ नो लोंगर हिज ओन मास्टर. पर वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं सीगा. द स्टील कैनस्टर सीम टू बी हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग. जिहड़ा स्टील का कैनस्टर सी मतलब कि चाह पाउण वाली जिहड़ी कैटल सीगी उन्होंने आए लगती सी भी प्लास्टिक बैग नालों भी भारी हो. लोंग क्वेश्चन है अपने को. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल लॉ सुप्रीम. का जिहड़ा टाइटल आदा कहिंदे सिग्निफिकेंस महत्व की आ. आंसर इज स्प्रिंग इज़ द सीजन ऑफ ऑप्टिमिज़म. एंड हो स्प्रिंग का जिहड़ा सीजन ऑप्टिमिज़म आशावादी का आस का किर मतलब कि मनिया जाता वा सीजन मन. इट सिंबलाइज लाइफ जिहड़ा कि जिंदगी नाल संबंधित आ. बट अनफॉर्चुनेटली पर बदकिस्मती दे नाल मिलियनस ऑफ चिल्ड्रन बहुत सारे जिहड़े बच्चे ने इन आर कंट्री साडे देश दे विच वेस्ट देयर चाइल्डहुड. अपना चाइल्डहुड वेस्ट करते हैं इन रैग पीकिंग करने मतलब कि कागज़ वगैरह उठाने दे कूड़ा करकट चक्कण दे विच. एंड अदर हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ अते बहुत जड़ियाँ खतरनाक जॉब ने इंडस्ट्रीज़ दे विच करते हैं. द जॉयज़ ऑफ चाइल्डहुड जिहड़े उन्हां दी खुशियां ने बचपन दियाँ. द वाइब्रेंस ऑफ स्प्रिंग इज़ लॉस्ट. जिवें स्प्रिंग आ कहिंदे ओह चली जांदी आ उवें ओह चली गई आ. आइदर इन द गारबेज गारबेज दे विच और इन द डिगनी सैल ऑफ विद फर्नेसिस. जां फिर वो जिहड़े सैल ने मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्हां दे घर ने जिहड़े जिथे वो की आ भट्ठियां लगियां हुई ने जिथे वो बैंगल्स वगैरह बनाउण दा काम करदे ने उत्थे उन्हां दा बचपन आ जिहड़ा खराब हो रहा. द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रडिशनज. जिहड़ी पॉवर्टी आ गरीबी आ उन्हां नूं कहिंदे पीस रही आ. एंड ट्रडिशनज जिहड़े बुरे रीति रिवाज ने कंडेम दी चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन. उन्होंने किहदे वल नूं धक्क दिता है बच्चों नूं कहिंदे जिहड़ी शोषण की जिंदगी आ उहदे वल नूं. दे सी वेरी लिटल होप ऑफ एक्सकेपिंग फ्रॉम देयर इंपॉवरिश्ड लाइफ ऑफ मिजरी एंड डिप्रिवेशन. कहिंदे उन्होंने मतलब कि अंदरों जिहड़ी आस सी किरण सी वह भी कहिंदे भी मतलब कि जा रही आ फ्रॉम इंपॉवरिश लाइफ. जिहड़ी उन्होंने मिजरी मतलब कि बुरी लाइफ आ बहुत उदास ते बहुत दबाव वाली लाइफ आ उन्हां दी जिंदगी नूं खराब कर रही आ. मोर एवर ईयरस ऑफ माइंड नंबरिंग ट्वेल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू द ड्रीम. कहिंदे बहुत सारे जिहड़े साल ने उन्हां दे मतलब कि मन दे विच सुपने ने कुछ करन करके दिखाउण दे वह भी खराब वह मतलब कि वह भी मर रहे ने. दे आर इंटेंगल्ड इन द स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपार्टी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. कहिंदे ओह इदां मतलब कि एक स्पिरल का मतलब हुंदा एक चक्करव्यूह दे विच फसे हुए ने जिहदे विच पॉवर्टी आ एक लालच आ ते इनजस्टिस मतलब कि उन्हां नाल न्याय हो रहा. यह सब कुछ उन्हां नाल एक चक्करव्यूह दे वांगू चलदा आ रहा. दीज आर यूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ऑफ चैप्टर नंबर 2.